नमस्कार, आकिब सिवन न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय की तस्वीर आप देख लीजिए, ये महिलाओं की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये महिला जीविका कर्मी है और आज पांच सूत्री मांग को लेकर पिपराड़ी के प्रखंड मुख्यालय का जो खेल का ग्राउंड है उसमें ये लोग आज धरने पर बैठी हुई है। पहले कैमरामैन थोड़ा सा हमारे तस्वीरें ये दिखाएंगे, पहले तस्वीरें आप देख लीजिए। आपके शहर आपके क्षेत्र की यहाँ पर महिला आज धरने पर बैठी हुई है। धरने पर बैठने का मामला यह है कि पांच सूत्री मांग को लेकर सारी जीविका महिला परेशान है और अपने समान काम समान वेतन का मांग कर रही है। और इनका कहना है कि जब हम क्षेत्रों में भी जाते हैं तो हमारे साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता है। हम इनसे बातचीत भी करेंगे, मगर पहले जीविका की तस्वीर आपको दिखा दे रहे हैं कि आपके क्षेत्र आपके हर जगह जीविका मौजूद रहती है और खास करके महिलाओं से ज़्यादा इनका संपर्क रहता है। तस्वीरें देख लीजिए कि आज इन लोग का आज से धरना है, वो धरना शुरू हो चुका है और ये लोग अपना जीविका का सारा काम धंधा छोड़कर आज यहाँ पर बैठी हुई है। तो महिलाओं से हम बातचीत कर लेते हैं। पहले क्या परेशानी है आप लोग को, क्या बात है बाबू? हम लोग धरना पर बैठे हैं। क्या मांग है आप लोग की? वेतन बढ़ाने की, और हम लोग चाहते हैं कि हमारा वेतन बढ़े। बहुत कम वेतन है, महिला लोग जाती है तो कोई इज्जत मान सम्मान नहीं मिलता है। और आज की डेट में बेरोजगार को भी 300 का रोज मिलता है, हम लोग का 10 रुपए का भी रोज नहीं मिलता। 1600 का वेतन पर कौन काम करेगा, आप ही बताइए। आप लोग का वेतन कितना है? 1600। 1600 जी। देख लीजिए, सबसे बड़ी बात यह भी कहा जाता है कि सरकार जीविका को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जीविका का बहुत अहम रोल होने वाला है, मगर तस्वीरें यह देख लीजिए कि तस्वीरें क्या महिलाओं की निकल रही है कि 1600 रुपए का मानदेय दिया जाता है। आखिर एक मजदूर का भी 300 रुपए दिहाड़ी होता है और ये लोग जीविका लोग अपने क्षेत्र में जाकर दिन रात मेहनत करती है और इनका मानदेय जो है इतना कम है। आखिर ये लोग परेशान है कि पांच सूत्री मांग को लेकर उनमें तमाम इन्होंने अपनी मांग रखी है और मांग रख के कहा है कि हमारी मांग सरकार पूरी करे, अन्यथा हम ऐसे ही धरना पर रहेंगे। कुछ और महिलाओं से हम बातचीत कर लेते हैं क्योंकि हमारे साथ काफी महिला मौजूद है और जानने का हम कोशिश कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोग की? हम लोग का मांग यही है कि हम लोग को कंट्रीब्यूशन बंद किया जाए और हम लोगों को परियोजना से ही जो मिलना चाहिए वो मिले। कहते हैं ना कि 2000 में दम नहीं, 20000 से कम नहीं, और 60 वर्ष का नौकरी होना चाहिए। हमारा मांग यही है। और हम लोगों को दिन पे दिन काम बढ़ाया जा रहा है लेकिन वेतन हम लोगों को कुछ नहीं दिया जा रहा है। हम लोग को मिनिमम एक महीने का मानदेय हम लोगों को 1500 मिलता है, मगर वहाँ से तो सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि जीविका को लेकर जी कंट्रीब्यूशन में, लेकिन कंट्रीब्यूशन हमें दीदी नहीं देती है। वो अपना हमें भीख मांगना पड़ता है। क्या हम भीख मांगने के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, हम उनको हम यही कहना चाहते हैं जो मिलना है हमको परियोजना से मिले। हमें क्यों उम्मीद दिलाया गया कि जून से मानदेय बढ़ेगा? कहते हैं ना किसी को खाना परोस दिया गया, उसके लग से खाना छीन दिया गया। देखिए, हर क्षेत्र में महिलाओं की अहम भागीदारी दी जा रही है, मगर यहाँ पर तस्वीरें ऐसे अब निकल रही है कि महिलाओं का जो ये धरना आप देख लीजिए कि मात्र 1600 रुपए देकर जीविका को अपने क्षेत्र में दिन रात लगाया जाता है। ये महिला काफी परेशान रहती है, घर द्वार छोड़कर अपने परिवार को छोड़कर दिन रात क्षेत्र में। कुछ और महिलाओं से, क्या नाम हुआ आपका? मेरा संजू देवी नाम है जी। क्या बात है? जीविका में हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग के महीना बहुत कम मिल रहा है जी। कम मिल रहा है जी? कितना मिल रहा है? 2000-1500 इतना ही में मिल रहा है जी। सारे काम हम लोग से ही कराया जा रहा है जी। मगर सरकार तो वहाँ से कहते हैं कि जीविका के लिए बहुत लाभ मिल रहा है। नहीं, कुछ नहीं जी, सारे काम हम लोग के ही करके देना पड़ता है और पैसा हम लोग बहुत कम है, इसीलिए हम लोग धरना पे बैठे हुए है। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोगों को कम से कम 20000 रुपया होना चाहिए सैलरी, जब भी हम लोग का पेट भरेगा। इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन पैसा हम लोग महीना सैलरी कुछ भी नहीं है। ऐसे 250 रुपया मांग लो, 250 रुपया दीदी सब देने के लिए तैयारे नहीं होता है। अब इधर से माने हम लोग का कंट्रीब्यूशन सब मिल ही नहीं रहा है, इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं। देखिए, सरकार को ये लोग सरकार को भी चुनौती दे रहे हैं और सरकार को कह रहे हैं कि सामने विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है तो हमारी मांग पूरी करे, अन्यथा हम इस आने वाले चुनाव में हम चुनाव का भी विरोध करेंगे। सारी महिलाओं का कहना है। कुछ और महिलाओं से हम सारी महिलाओं से इसलिए बातचीत कर रहे हैं कि क्या उनकी तकलीफ है, क्या उनकी परेशानी है, वो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि पांच सूत्री मांग को लेकर सारी महिला आज यहां पर धरना पर बैठी हुई है और ये आपके क्षेत्र की जीविका महिला है। और खास करके आप देख लीजिए कि मात्र 1600 रुपए का यहाँ मानदेय दिया जाता है और उस पर दिन रात इनको खटवाया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? ये मेरा नाम अफसाना नाज है।
और हम सीएम पद पे काम करती हूँ। हमको कितना का महीना मिल रहा है, हम 3 साल से अब होने जा रहा है, 600 का महीना ऊपर से मिलता है और बोलते हैं कंट्रीब्यूशन लीजिए, वो सब मिला उला करके 2000 का मिलता है, तो इससे हम लोग का पेट थोड़ी ना भरेगा। आ काम पे काम दिए जा रहा है, आज कल आज ये काम है तो अभी वो पूरा नहीं हुआ दूसरा काम दे देते हैं, तो आदमी कितना काम करेगा, बैठका कराएगा कि CLF का मीटिंग कराएगा कि फिर बैंक में आएंगे, क्या क्या करेंगे इसने काम में, यही हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। देख लीजिए तमाम जो परेशानियां हैं वो परेशानियां अब निकलने लगी है। इनका कहा जा रहा है कि 16 रुपए का मानदेय, 1600 का मानदेय हमें दिया जाता है, उसमें भी बहुत सारा काम कराया जाता है, उसमें भी हमको बैंक में भेजा जाता है। ये तमाम सारी बातें हैं, कुछ और महिलाओं से हम बातचीत कर बैठी हुई है। उनका कहना है कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, 5 सूत्री मांग को लेकर आज आप लोग यहाँ पर धरना पर बैठी हुई है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। और देखिए सबसे पहले हम लोगों को जीविका में जो काम करते हैं, तो आज से नहीं जब से शुरू हुआ है, जैसे शुरू में 1 महीना 2 महीना तो ऐसे ही फ्री में काम करवाया जाता है, इसके बाद 700 देता है, 750, इसके बाद 3 महीना के बाद 1500, इसके बाद मतलब करते करते 2 साल 4 साल रहिए ना तो 2000 देगा। और वो भी क्या कि जितना समूह आप देखिएगा तो 200 पहले आपको 50 रुपया कंट्रीब्यूशन मिलेगा, इसके बाद पहले 10 रुपया, फिर 20 रुपया, फिर 50 रुपया, फिर 100 रुपया, इस प्रकार से कंट्रीब्यूशन मतलब जैसे जैसे साल बढ़ेगा उस प्रकार से महिला कंट्रीब्यूशन देती है कि आप जब मीटिंग कराइएगा सप्ताहिक तभी तो महिला देगी 10 रुपया या 50 रुपया, नहीं कराइएगा तो नहीं देगी। आप बताइए 10 SHG देखती है, उस 10 SHG में प्रत्येक सप्ताह में जाना है और एक भी सप्ताह नहीं जाइएगा तो 10 रुपया गया आपका, 50 रुपया जो 100 रुपया जो भी कंट्रीब्यूशन है वो गया। इसके बाद आप उसी बीच बीच में CLF मीटिंग, कहीं अति ऑफिस मीटिंग, पिपरारी मीटिंग, VO मीटिंग, मतलब अनेक प्रकार की मीटिंग ही मीटिंग, और एक मिनट, कोई ऐसा विभाग नहीं है, एक दो से गिन लीजिए कि बिहार सरकार से लेकर के भारत सरकार, केंद्र सरकार से कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जो हम लोग काम करके नहीं देते हैं। सरकार रही है कि महिलाओं की बहुत अहम भागीदारी है, महिलाओं को सरकार आगे बढ़ा रही है उनको अपना काम करवाने के लिए, लेकिन महिलाओं को बच्चा भूखा मर रहा है, महिलाओं का क्या पहन रही है, क्या खा रही है, कैसे जी रही है, उनको कोई बहस नहीं, कोई मतलब नहीं है, समझ गए ना। और क्या है कि 250 जो दे रहे हैं, 250 से क्या पेट भरेगा, 250 अगर डेली भी दिया जाए तो भी पेट नहीं भरेगा, हम लोग को मासिक 250 मिलता है। एक मजदूर का भी दिहाड़ी 300 है। हाँ, एक मजदूर का भी दिहाड़ी 300, जो खेत में रोपनी करने जाता है वो भी 3 कट्ठा के हिसाब से पर डे का 300-400। अब आप चलिए एक फर्नीचर मिस्त्री को चल लिए देख लीजिए, 600-700 के डेली ले रहा है, और हम लोगों को 100-150 रुपया का डेली भी नहीं पड़ रहा है। अब सही से जोड़िए तो 50 रुपया का डेली भी नहीं पड़ रहा, अगर वहाँ से आइए आपको भाड़ा में चला गया। और क्या, मोबाइल फोन तो दिए नहीं है, और मोबाइल से चलिए लोकोस कीजिए, आधार एंट्री कीजिए, फल्ला चिकित्सा मतलब मत पूछिए, पक जाते। कभी कभी 10 बजे रात तक काम करना पड़ता है, बच्चा को खाना पीना पढ़ाई लिखाई भी त्याग देना पड़ता है जीविका के चलते, लेकिन आज तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं की है। तो मानदेय को लेकर इससे पहले आप लोग का नहीं हुआ था पहल? हाँ, पहल हुआ था, धरना प्रदर्शन हुआ था, हमको लोगों को लगा कि जो सरकार हमारी बातों को सुनेंगे, सरकार हमारी मांगों को पूरी करेंगे, लेकिन हम लोग को एकदम निराश कर दिया गया। तो आज से हम लोग एकदम ठान लिए हैं कि सारा काम बंद तो बंद, कोई भी काम नहीं होगा। 5 सूत्री मांग में आपकी अहम मांग क्या है? सबसे पहले है कि हमको जो 250 वेतन है उसको बंद करा करके कम से कम 20,000 की बेर, कम से कम ना के बराबर को हो तो कम से कम 20,000 की वेतन कर दिया जाए, जो कि डायरेक्ट हम लोगों को परियोजना से डायरेक्ट हम लोग को खाता में दिया जाए। दूसरी कि हम लोग कहीं रोड पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई नहीं पहचानता है, कहीं आपसे कहेंगे कि जीविका दीदी है तो क्या आप पहचानिएगा, मानिएगा, आप तो खोजिएगा, दिखाइए आईडी कार्ड। कोई भी पुलिस वाला जाता है सिविल ड्रेस में, अगर दिखा देता आई कार्ड, अरे वाह पुलिस वाला है ये तो जरूर कहते हैं, लेकिन हम क्या दिखाए, हमारे पास पहचान क्या है? आप लोग को आईडी कार्ड नहीं दिया? कुछ नहीं, एक 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 छोटा सा आशा दीदी जो है, जो फील्ड वर्कर देखती है, उनको भी एगो ड्रेस मिला हुआ है कि पहन के जाती तो कोई कहता है आशा दीदी है, ये सेविका दीदी, ये सहायिका दीदी है, हम लोगों को क्या है, हम लोग को एकदम समझिए भिकमंगा से भी वो कहता है। अगर एक चलिए रोड पर देखिए भीख मांगने वाला, वो भी 2000 500 1000 कुछ भी उनका लिमिट नहीं है, लेकिन हम लोग भिकमंगा से भी औकात है, हम लोग भी मांगा से भी गिरा हुआ है। और दूसरी बात कि ऑफिस में जो भी सर जो लोग है बाहर बाहर से आते हैं, ऑफिस वर्कर देखते हैं, BPM है, DPM है, जो भी सर है वो तुम कह के बात करते हैं, हम लोगों को सम्मान भी नहीं है, थोड़ा सा अभी 0 बराबर सम्मान है। ठीक है, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं इसमें एक नई बात भी निकलती है कि इनके जो ऑफिस के कार्यालय के कर्मी होते हैं, इनसे बदतमीजी के साथ
पेश आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं की सम्मान के लिए, आप सभी जानते हैं कि महिलाओं की अहम भागीदारी रखी जाती है हर विभाग में, हर जगह महिलाओं को आगे बढ़ाया जाता है, सम्मान दिया जाता है। मगर इनके द्वारा आपने देखा कि क्या कहा गया कि इनके ऑफिस में जो कार्यालय के जो कर्मी आते हैं, जो नए नए, इनको तुम कह के बुलाते हैं। तो ये भी सवाल उठने लगा है कि आखिर ये कौन अधिकारी होते हैं जो तुम कहने वाले होते हैं, जो जो, जो जनता के सेवक बनते हैं, क्या वे जनता के ही मालिक बनने लगते हैं? ये तमाम सवाल अब महिलाएं उठा रही हैं। कुछ और महिलाओं से हम बातचीत कर लेते हैं। जी, आप कुछ बोल रही थी। जी, हम ये कह रहे थे कि राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जैसे कि टॉयलेट का काम है या HNS का काम, जैसे हॉस्पिटल का हो गया, ये सारा काम क्या आशाएं नहीं है कि हम CM दीदी से कराया जाता है और हम लोगों को HNS का कोई पेमेंट भी नहीं मिलता है। और देखिए आयुष्मान भारत कार्ड, ये काम करने के लिए क्या कोई कैडर नहीं है, क्या सरकारी लोग नहीं है कि हम लोगों से कराया जाता है? हम लोग इतना करते हैं और इस वजह से SHG का कभी बैठक नहीं हो पाया, तो दीदी से गाली खाओ अलग, सर से गाली खाओ अलग, जाओ तो दीदी लोग भी बेइज्जत करती है और गालियां भी देती है यहाँ तक कहीं कहीं पर दीदी लोग, और मानदेय भी हम लोग को नहीं मिलता है। मात्र 1500-1600 रुपए से हम लोग काम करते हैं। बताइए ये कोई तरीका है पैसा आने की? सर लोग भी तुम करके बात करते हैं, ये कोई तरीका है? बताइए, हम लोग इस तरह से काम नहीं करेंगे। हम लोग धरना पे हैं तो है, जब तक हम लोगों को 20,000 रुपए की सैलरी नहीं तय की जाएगी, हम लोग दीदी से नहीं लेंगे, क्या बोलते हैं, VO से नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे तो ऑफिस से लेंगे और डायरेक्ट हमारे खाता में पैसा आना चाहिए, परियोजना से ही हमें मिलना चाहिए। सामने चुनाव आने वाला है तो हम लोग चुनाव में जो दीदी का जागरूकता अभियान करते हैं कि दीदी चलो कम से कम वोट डालो, दीदी अपना अधिकार मत छोड़ो, तो उसमें भी हम लोग एकदम ताला लॉक कर देंगे, समाज में गाँव में ताला लॉक कर देंगे, महिला को जाने ही नहीं देंगे, सरकार बदल देंगे। जो इस बार का चुनाव में ये लोग बहिष्कार भी करेंगे, तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जीविका दीदी का खास करके क्या परेशानी है, उनका क्या कहना है कि खास करके जीविका दीदी पर ही सबसे ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है हर कार्य को लेकर। ये तमाम परेशानियां उठने लगी है और इनके कार्यालय के कर्मी होते हैं वो दिन रात टास्क देते रहते हैं, वो बैठक का टास्क हो या अन्य टास्क हो, और बदतमीजी के साथ भी पेश आते हैं। तो ये बड़ा सवाल भी उठता है कि आखिर ये कौन लोग बदतमीजी करते हैं, ये कौन लोग होते हैं कि हमारी मांगे नहीं पूरी करेंगे, हमारी मानदेय नहीं बढ़ाएंगे, डायरेक्ट खाता में नहीं देंगे, तो सरकार को बदल देंगे। सरकार का जीविका के ऊपर बहुत ध्यान रहता है। हाँ, ध्यान है तो हमारा भी ध्यान है। अगर मेरी मांगे नहीं पूरी होगी तो एकदम कुर्सी पर भी बैठाए तो कुर्सी पर से गिरा के रहेंगे। चलिए चलिए, आप देख सकते हैं कि खास करके क्या महिलाओं का कहना है कि अगर सरकार अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो हम भी इस सरकार का बहिष्कार करेंगे। सामने विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है, नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है मगर कैश का दौर अभी भी जारी है। कुछ और महिलाओं से हम बातचीत कर लेते हैं। महिलाओं की तस्वीर आप देख सकते हैं कि क्या क्या परेशानी है, जो खास करके महिलाओं से हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि देखिए महिला जो होती है अपने घर परिवार के साथ सारे काम संभालती है, और जीविका दीदी है वो खास करके है, क्या परेशानी है आप लोग? जी सर, हम लोग को बारिश है या धूप है, इसमें समय मीटिंग कराना जाना पड़ता है, तभी भी हम लोग का 1600-1700 के ही महीना मिलता है, इसलिए हम लोग 20,000 के मांग कर रहे हैं, तब तक मिलेगा इसी पर काम करेंगे, नहीं तो पूरा काम बंद करके रहेंगे। चलिए, इन लोग धरना पड़ेगी, अगर इन लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो इन लोग इसी तरीके से सारे काज का बहिष्कार करके इन लोग इसी तरीके से धरना पड़ेगी। तो तमाम तस्वीरें जीविका दीदी की आप देख सकते हैं। थोड़ा सा और जीविका दीदी से हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि काफी संख्या में यहाँ पर महिला मौजूद है, तो थोड़ा सा हम समझे कि इनसे भी, आप तो बैंक में भी रहती हैं, हाँ, क्या इतना लोग जब आप अब हड़ताल पर आ गई हैं तो बैंक में जो लोग जाता होगा तो उनको तो खास परेशानी होती होगी। जी हाँ, जरूर परेशानी होती है। तो क्या कहना चाहिएगा? कहना चाहिए हम लोग तो सर क्या 2018 से काम कर रहे, 1200 से काम कर रहे, 1200 का वैल्यू है आज के युग में? देखिए हम लोग को जो सही है, सबका मांग कर रहे हैं, सब सही मांग कर रहे हैं। तो आपका क्या मांग होगा कि सामने चुनाव भी आने वाला है? जी हाँ, चुनाव आने वाला है, चुनाव में हम लोग सब कुछ महिला लोग का संगठन है, हम लोग नहीं देंगे वोट, सरकार बदल देंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि जीविका दीदी का कहना है कि अगर हमारी मांग अगर पूरी नहीं होगी तो इस बार का जो विधानसभा का जो चुनाव आने वाला है उसमें भी हम अपना रंग रूप दिखाएंगे। कुछ और जीविका महिला है, क्योंकि जीविका दीदी से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या उनको परेशानी सबसे ज्यादा हो पा रहा है।
सबसे पहले इस चैनल को मतलब मेरे तरफ से नमस्कार। और मेरा कहना यही है सर कि जो काम मुखिया सरपंच वार्ड अदर ये पंचायत लेवल के अथी से नहीं हो पाता है नेता सबसे, वो काम हम लोग को सीएम द्वारा दिया जाता है कि करके दीजिए, और हम लोग करके भी देते हैं सर। यहाँ तक कि अभी जो घर घर जो कूड़ा निकाला जा रहा था दिया जा रहा था, इस पर भी हम लोग को बताया गया था कि सब हर एक दीदी से हर घर से 5 रुपया देना है। इस पर हम लोग काम नहीं किए हैं तो कोई माई का लाल नहीं है नेता या फिर कोई पंचायत लेवल पर कि हाँ इस काम को सक्सेस करके दिया जाए। इसी वजह से गांव का कूड़ा अब गाँव में रह रहा है। और यहाँ तक कि सर कि शौचालय का मतलब सर्वे है चाहे कुछ ही, सीधा पंचायत लेवल पर का नेता लोग का देता है कि नहीं गाँव में ऐसा कुछ नहीं है, सब मेरे गाँव में अवेलेबल है। लेकिन सीएम एक एक करके ढूंढ कर निकाल देती है कि हाँ यहाँ पे इस चीज़ का कमी है और यहाँ पे इस चीज़ चाहिए। इतना काम करवाने के बावजूद भी सर हम लोग को पैसा नहीं दिया जाता है। जिस मतलब आधार से काम करवाया जाता है उस आधार से पैसा नहीं दिया जाता। और इसमें जीविका में रह गई बात सर, हम लोग जैसे बच्चा को नहीं फुसला कर काम कराया जाता है, सेम उसी तरह सर हम लोग का यहाँ पे काम कराया जाता है। अभी लुकॉस का एंट्री करवाना था तो सर हम लोग को इतना प्रेशर था कि नहीं जल्दी 5 दिन में ख़त्म कीजिए, 4 दिन में ख़त्म कीजिए, नहीं उसके लिए सर हम लोग का मोबाइल दिया गया, नहीं रिचार्ज का कोई व्यवस्था है। और काम करवाना इतना रहता है सर कि मतलब इतना पॉलिसी देकर ऐसे में भी कोई भी काम करवाना रहता है तो बताया जाता है कि नहीं ये अभी बताया गया था सर 3 महीना पहले से कि मानदेय बढ़ करके आएगा, इसीलिए आप लोग का मानदेय रोका जा रहा है, इसीलिए महीना ऐसे मंथली पेमेंट दे मतलब 3-4 महीना हुआ उसके बाद हुआ कि नहीं महीना बढ़ करके आएगा इसीलिए रोका गया। और अभी जब महीना आया था सर मतलब जितना आता था उसे काट करके भी दिया। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं जीविका दीदी की तस्वीर, 4 महीने से मानदेय भी इनका बकाया है। आप समझ लीजिए कि इस स्थिति में इनका घर परिवार कैसे चलता होगा। नई जो पॉलिसी की जो बात कही जा रही है उसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो पॉलिसी आ रही है उसको हम लोग नहीं मानेंगे और 4 महीना से इनका मानदेय है जो बकाया है, तो किस स्थिति में अपना कर रहे हैं, क्या बात है आपका? सर इस चैनल को मेरा धन्यवाद है सर। मैं ये नया जो पॉलिसी जो चला है मैंने बताए थे बीपीएम सर हम लोग को जो आए थे स्वच्छता वाला मीटिंग हुआ उसमें बताए थे इतना दिन जो वेतन अब 4 महीना रुका हुआ है तो आपको बढ़ कर आएगा। और देखे हैं तो मैंने बुक कीपर द्वारा अथी हुआ है तो पहले ही वाला हम सबको मंथली आया है। तो सर इस सब के चलते हम लोग अब काम नहीं करेंगे, इसको बहिष्कार करते हुए अब हम लोग काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जीविका दीदी की तस्वीर है, ये तमाम तस्वीरें जो हमारे कैमरामैन है, थोड़ा सा पूरी तस्वीरें आप एक बार दिखा दीजिए, तमाम जो तस्वीरें हैं वो एक बार आप देख लीजिए कि आपके क्षेत्र की और आपके गांव की ये जीविका दीदी बैठी हुई है और इनका 4 महीने से मानदेय बकाया भी है और ये लोग धरना पर हैं कि जो हमारी 5 सूत्री मांग है उसको किया जाए पूरा, अन्यथा जो विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है उसका भी हम बहिष्कार करेंगे, क्योंकि दिन रात हर क्षेत्र में ये लोग जिन क्षेत्रों में इनको लगाया जाता है उन क्षेत्र में इनका काफ़ी सराहनीय योगदान रहता है, ये लोग काफ़ी मेहनत करती हैं। तो आज धरने पर बैठी हुई, आज से इनका धरना चालू हो चुका है। तो तमाम तस्वीरों के साथ हमारे साथ